हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी जी, जिस तरह से कल शकील अहमद ने कहा और कि इंडियन मुजाहिदीन गुजरात दंगों के बाद आया, आज रशीद मसूद कह रहे हैं कि गुजरात के दंगे होते हैं तो मुसलमान असुरक्षित होते हैं, आतंकवाद बढ़ जाता है, क्या कहना है आपका? देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और केरला तक हिंदू असुरक्षित हैं इस देश में। जहाँ पे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाल के बाहर फेंका, अभी कल परसों में तमिलनाडु के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी और एक हिंदू को मारा गया। और अगर आप तमाम किस्से जोड़ेंगे तो 16 ऐसी घटनाएं हुई हैं पिछले एक वर्ष में, जहां पर हिंदू नेताओं को केरला और तमिलनाडु में मारा गया है। और अगर आप उससे भी पुराना इतिहास देखेंगे तो आपको लगातार पूरा इतिहास मिलेगा किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया। लेकिन कांग्रेस के रूल में ना केवल हिंदू बल्कि ईसाई, जिनको नॉर्थ ईस्ट के अंदर उत्तर पूर्व में मारा जा रहा है, और बाकी तमाम जगहों पर मुसलमानों को भी मारा जा रहा है। तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वो किसी का मजहब देखकर नहीं होता। कांग्रेस नेताओं का बार बार ये कहना, जब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, बीजेपी भी उनको आगे बढ़ा रही है, आपको लगता नहीं इसके पीछे भी कोई कांग्रेस की राजनीति? आप राजनीति तो देखिए, दो तरीके से राजनीति समझिए। एक तो मैंने इस देश का इतिहास बताया, कांग्रेस के राज में कोई सुरक्षित नहीं है, ये जायज़ है, और वो केवल मुसलमानों की बात करते हैं। लेकिन 2002 के बाद आज तक गुजरात में एक दंगा नहीं हुआ, एक ऐसा प्रदेश जहां पर कांग्रेस के राज में और तमाम दंगे कांग्रेस के राज में हुए। और सिर्फ गुजरात में नहीं, 2002 का दंगा भी कांग्रेस वालों ने करवाया था, उसमें जो हाफिज पानवाला है, जो भागा हुआ है यहाँ से, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है। अगर आप सीबीआई की वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो उस वो तमाम लोग जो कि जिन्होंने ट्रेन को जलाया, जाकिया जाफरी का मकान जलाने वाला जो है कांग्रेस का कॉरपोरेटर था जिसका नाम मेह सिंह चौधरी है, निसार बापू कांग्रेस का मेयर था जो वडोदरा के दंगों में इन्वॉल्व है, सुरती मोहम्मद सुरती जो कि सूरत से मत्स्य मंत्रालय का मंत्री था जो कि बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व था।